Okay, students, welcome and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 2, that is unit and measurement. And I had already provided you some videos correspondent to the first session, first lecture ka video maine aapko प्रोवाइड किया होगा. सबा एंड समा सना इज देयर? यस. आपने वो मैंने एक आध दो वीडियो आपको देखने का बोला था, तो हैव यू गॉन थ्रू इट? यस, वॉच्ड. ओके, सो स्टिल आई एम ब्रीफली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन. द फर्स्ट वीडियो इज करस्पोंडेंट टू द फिजिक्स information regarding the physics. What is physics? Why physics to be studied? And which branches is going to be learned in the physics? And what is the importance of the physics? That all about the physics is discussed in the first session. And in the second video, I had just started a very topics corresponding to the chapter number 2. That is physical quantity and units and that kind of task I had discussed in the second lecture. So today, actually, on the last session, I had started a topic that is called dimensions and dimensional formula. So once again, I'm going to revise that topic and I'm going to discuss some of the physical quantity, the dimensional formula of the sum of the physical quantity, which is very, very, very important in throughout the 11th and 12th standard. So the topic which I am going to discuss today is very important in all the chapters of 11th standard and 12th standard. So for you, though it is a very first lecture, but it is a very, very, very important lecture with respect to the physics. So आपको क्या करना है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको आज ही के दिन उसको प्रिपेयर करना है. That is a very important lecture. आज हम डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस की बात करेंगे. कुछ क्वांटिटी मैंने लास्ट सेशन में ये बच्चों जो अभी ज्वाइन हुए हैं उसको मैंने डिस्कस करवाया था, बट एक बार मैं पूरा टॉपिक फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ. चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना. प्रियांशु इज देयर? यस सर. Priyanshu, can you give me the unit of the mass? Mass ka unit kya hota hai? Kilogram. Okay, good. The unit of a mass is a kg. Ab mass ka jo initials hai wo capital M hai. To agar aapko kahin pe bhi kilogram dikhai de to aapko sochna hai M, capital M. अगर आपको कहीं पे भी किलोग्राम स्क्वायर दिखाई दे तो आपको एम पावर 2 सोचना है. अगर किलोग्राम रेस टू माइनस 3 दिखाई दे तो आपको एम पावर माइनस 3 करना है. मैं जो यहां पे लिख रहा हूं क्या वो आप आपके मोबाइल में देख सकते हो? यस सर. आर यू एबल टू सी इन योर मोबाइल? Yes. Okay, okay, fine. Thank you. तो मैं ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. ये टॉपिक मैं थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ. तो लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने 8 से 10 क्वांटिटी मैंने डिस्कस किया था. तो आज वापस से मैं वो टॉपिक ले रहा हूँ और थोड़े नए क्वांटिटी भी आज हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, सहीमा, क्या नाम है? यस. सो यू नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द लेंथ? नो. लेंथ का यूनिट, देखो आप घबराना मत, लेक्चर होता है ना वो जनरली इंटरेक्शन के साथ होता है. डोंट वरी इफ यू डोंट नो द आंसर, बस जस्ट दी आंसर. तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? आपको देना पड़े, आंसर देना है आपको. मीटर. हाँ, तो मीटर ही है ना. सही बात है आपका. लेंथ इज मीटर.
अब लेंथ का जो इनिशियल है वो एल है, तो अगर कहीं पे आपको मीटर दिख जाए तो आपको सोचना है एल, कहीं पे अगर आपको मीटर स्क्वायर दिख जाए तो आपको सोचना है एल स्क्वायर, कहीं पे अगर आपको मीटर रेस टू माइनस वन दिख जाए तो आपको सोचना है एल रेस टू माइनस वन। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े मिस होते हैं, मीटर कहीं पे दिखता है तो वो स्मॉल एल दिखता है तो कैपिटल एम सोचते हैं। मीटर इज नॉट इंडिकेटिंग द मास, मीटर मास इंडिकेट नहीं करता है, मीटर इज इंडिकेटिंग द लेंथ। तो आपको कहीं पे मीटर दिखता है तो आपको लेंथ को सोचना है, मास को सोचना नहीं है। अच्छा टाइम, दियांशु। यस सर। बोलो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ओके, तो अगर कहीं पे भी हमको सेकंड दिख जाए तो वो सेकंड जो है वो दैट इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटिंग द टाइम। तो इसका मतलब आपको टी को सोचना है, अगर कहीं पे भी आप सेकंड देख लेते हो तो आपको टाइम सोचना है, टी सोचना है। अगर सेकंड स्क्वायर दिखाई दे तो आपको टी स्क्वायर सोचना है। तो दैट मींस एम एल एंड टी आर एक्चुअली अ मास, लेंथ एंड टाइम, एंड दैट इज करस्पोंडेंट टू द केजी, मीटर एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज आपको अब पता है, ऐसा मैं सोच लेता हूं। कैपिटल एम इज इंडिकेटिंग अ मास, एल इज इंडिकेटिंग अ लेंथ, एंड टी इज इंडिकेटिंग अ टाइम, एंड दैट इज करस्पोंडेंट टू द केजी, मीटर एंड सेकंड। केजी है तो मास सोचना है, मीटर है तो लेंथ सोचना है, सेकंड है तो आपको टाइम सोचना है। तो अभी पता चल जाएगा कि मैं ये सब क्यों करवा रहा हूं। द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, वी आर स्टडिंग राइट नाउ, इट इज अ डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो व्हाट इज डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, यू विल कम टू नो विद इन अ 5 or 6 minutes। मास, द यूनिट ऑफ अ मास इज अ केजी, बट मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर केजी का एक पावर है, केजी का मतलब ओनली केजी रेस्ट वन, तो आपको क्या सोचना है, एम पावर वन सोचना है। बट मास का जो यूनिट है वहां पे मीटर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सेकंड, सेकंड एंड मीटर इज नॉट देयर, तो मतलब क्या होगा, सेकंड भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, तो मतलब क्या होगा, मतलब ऐसा होगा कि एल भी जीरो होगा, टी भी जीरो होगा, लेंथ पावर जीरो, टाइम पावर जीरो। डिस्टेंस, लेंथ, विड्थ, डिस्टेंस लेंथ विड्थ, फिर डेप्थ, आर्क, रेडियस, डायमीटर। तो फ्रेंड्स ये सारे जो क्वांटिटीज है, डिस्टेंस लेंथ डेप्थ आर्क रेडियस डायमीटर पेरिफेरी, ये जो सारे जो क्वांटिटी है उसको हम मेजर करते हैं मीटर में ही। और मीटर के लिए हमको क्या सोचना था, हमको सोचना था एल वन। यहाँ पे किलोग्राम भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, मतलब मास का जीरो होगा, टाइम का भी जीरो होगा। चलो टाइम, तो टाइम का मतलब इसका यूनिट तो सेकंड हुआ, और ये तो आपको अब पता चल गया होगा कि उसके लिए हमको लिखना चाहिए एम जीरो एल जीरो टी वन। चलो सभा इज देयर, सभा है वहां पे, सभा? यस। चलो सभा, क्या आपको ये पता है कि एरिया इज इक्वल टू क्या, एरिया क्या होता है? L into B. Very good. The area is nothing but it is a length into breadth. तो area जो है वो length into breadth है। तो मुझे ये बताओ,
फ्रेंड्स आप आंसर देने के बाद आपके माइक को म्यूट कर दीजिएगा बिकॉज फिर ये आवाज वहां से आता है. तो आंसर मैं जब पूछता हूं तो आप आंसर दो, उसके बाद आप खुद को म्यूट कर दो. जब आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट होकर डेफिनेटली पूछ सकते हो. ओके, एरिया इज अ लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, ब्रेथ का भी मीटर है. तो ये एरिया का यूनिट सही माह क्या हो जाएगा? What should be the unit of the area? Meter square. Very good. It should be a meter square. अब खत्म करो. यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? kg raised to power zero and अच्छा, time raised to power zero. Mass zero. फिर? Time raised to zero. Okay, time का भी zero होगा. फिर? Length का square. Okay, length square. Very good. तो एरिया का जो ये जो एमएलटी का फॉर्मूला है वो एम जीरो एल टू टी जीरो होगा. चलो अगर वॉल्यूम की बात करते हैं. अच्छा, हु इज जॉइन विद द नेम ओपो ओपो एफ सेवन? हु इज दैट? ये ओपो एफ सेवन लिख के मतलब कौन जॉइन हुआ है? नक्षी दोषी. ओके नक्षी. So next time when you join, you just join with your proper name. Okay. So I'm yes. some question. So I'm actually I'm asking the question. I'm just watching the name from that particular thing. So आप आपका नाम देख के लग के आना. Okay. Yes sir. आपको पता है नक्शी वॉल्यूम क्या होता है? You know about the volume? Yes sir. क्या होता है उसका फॉर्मूला बोलो. डोंट नो सर. ओके नो वरी. देखो मेरा मैं फिर से बोल देता हूँ कि मेरा जो लेक्चर होता है वो इंटरेक्शन के साथ होता है. अगर आपको आंसर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट. बट मैं इंटरेक्शन के साथ ही पढ़ाऊंगा. प्रियांशु है वहां पे? यस सर. बोलो आपको पता है वॉल्यूम क्या क्या होता है? L into B into H. Good. Length into breadth into height will get you the volume of the cuboid. But volume के लिए ऐसा सोच सकते हैं length into breadth into height. तो length meter, breadth meter, H भी meter में होता है, तो उसका हो जाएगा meter cube हो जाएगा. तो meter cube है. तो प्रियांशु बोलो अब खत्म करो इसको. क्या लिखूं मैं यहाँ पे? M zero L three T zero. Okay, M zero L three T zero. Good. अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर डिफरेंट. वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी. स्पीड इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर एंड वेक्टर के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे. बट स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम ही है. नो डाउट दे आर डिफरेंट क्वांटिटी बट देयर यूनिट्स आर सेम. चलो सना है वहां पे? सना यस. चलो आपको पता है सना स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेरी गुड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. गुड. अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस का मीटर होता है एंड टाइम का सेकंड होता है. तो यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज अ मीटर पर सेकंड. तो मीटर सेकंड रेस टू माइनस वन भी मैं लिख सकता हूँ. यस. ओके. तो नक्शी आर यू हियरिंग मी? यस सर. चलो अब मुझे बताओ कि मुझे क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए एमएलटी के फॉर्म में. M zero. Okay, very good. किलोग्राम तो है ही नहीं तो मास का जीरो हो जाएगा. Very good. फिर L two. L two होगा. Sure. देखो यहाँ पे मीटर का एक पावर है. The power of meter is one only. L one. L one. Okay. T one. T1 लिखना चाहिए. सोच के बताओ.
Minus one. Very good. So it should be a minus one. Chalo, anybody know about the acceleration? Acceleration ke baare mein koi pata hai? Dekho, aaj hai na, hum total 34 different quantity we are going to discuss in today's lecture. From that 34 quantities, some of the quantity you had learnt in somewhere 8, 9, 10, 10 standard. But many quantity I am going to give you a very many new quantity I am going to give you the information of that. तो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वांटिटी सारे आपने 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पे आपने ये डिस्कस किए हुए हैं मतलब ये कहीं ना कहीं पे 8th, 9th, 10th में कहीं ना कहीं आपने पढ़े हुए हैं अगर उसका फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं आप आज के डेट में ये लेक्चर खत्म होने के बाद इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर आज मैं जो भी कुछ कराऊंगा वो ये चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है Almost half of the chapter is dependent on the today's lecture. यहाँ पे देखो पहले lecture से ही firing start हो गया पहले lecture से ही firing start हो गया है but difficult नहीं है आपको साथ में करना है बहुत ही मजा आएगा बहुत ही simple है बहुत ही मजा आएगा चलो किसी को पता है acceleration के बारे में आप में से बताएगा कोई मुझे unmute होके Rate of change in velocity is called as acceleration. अच्छा, rate of change of velocity is called acceleration. You get the perfect answer. So more precisely, we can say a change in velocity upon time. It is a change in velocity. Change in velocity upon time. अब वेलोसिटी का जो यूनिट है वो तो मीटर पर सेकंड है ही बट अपॉन टाइम वापस से आया तो डिनोमिनेटर में वापस से मुझे सेकंड लिखना पड़ेगा तो मीटर पर सेकंड विल गेट यू द मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तो अब इसका क्या होना चाहिए सना m0 l1 t minus 2 वेरी गुड ओके चलो मोमेंटम के बारे में किसी को पता है सही माँ क्या आपको पता है मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी हाँ तो क्या आपने वो लेक्चर वो आपने रिवाइज मतलब ये लेक्चर वीडियो लेक्चर देखा हुआ है कि आपको पता है ये 8 9 10 स्टैंडर्ड से नहीं मैंने नहीं देखा है अच्छा वेरी गुड तो आपको मतलब पता है 8 9 स्टैंडर्ड वेरी गुड तो मोमेंटम शायद से आपको 8 9 10 स्टैंडर्ड में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता था तो आपने बहुत ही आंसर दिया कि मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू द वेलोसिटी होता है तो मास इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है वेलोसिटी का जो है वो मीटर पर सेकंड है तो इसके द्वारा हम ये मोमेंटम का एमएलटी का फॉर्मूला हम ला सकते हैं तो मोमेंटम का जो एमएलटी का जो फॉर्मूला है आंसर क्या आएगा निष्ठा क्या नक्षी 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 बताओगे आप नक्षी m वन ओके गुड l माइनस वन देखो ये केजी अब मीटर का भी वन ही पावर है देखो सेकंड का माइनस वन है एक बार फिर से बोलो m वन L one. Okay, L one. T minus one. T minus one. Good. Density. Acha. So Priyanshu, you know the density? Mm.
मास अपॉन वॉल्यूम. सही बात है आपका. मास अपॉन वॉल्यूम इज अ डेंसिटी. अब मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, वॉल्यूम का जो होता है वो मीटर क्यूब होता है, वो हमने ऊपर देखा. तो केजी पर मीटर क्यूब. यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन दिस फॉर्म, किलोग्राम मीटर रेस टू माइनस थ्री. तो सना सबा, कैन यू गिव द आंसर फॉर द एमएलटी फॉर्मूला? यस, एम वन, वेरी गुड, एल माइनस थ्री, एल माइनस थ्री, टी जीरो, वेरी गुड. अब हम एक और क्वांटिटी की बात करते हैं, फोर्स की बात करेंगे. चलो सहीमा, क्या आपको फोर्स पता है, फोर्स का फॉर्मूला? नो. ओके नक्षी? नो. ओके सना? नो. सबा? नो. अच्छा प्रियांशु बोल दो. चलो आप F is equals to ma. देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मदर एफ इज इक्वल्स टू मदर माँ. तो ये मैंने लिखा तो शायद आपको पता याद आ गया होगा. तो फादर एफ इज इक्वल्स टू मदर माँ, ऐसे याद रखते हैं इसको. बट ये m इंटू a का मतलब क्या हुआ, तो m जो है वो मास शो कर रहा है, एंड a जो यहाँ पे है वो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन है. अब मास का जो यूनिट है वो आपको पता होगा कि केजी है, एंड एक्सेलरेशन का हमने अभी डिस्कस किया कि वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो ये फोर्स का यूनिट जो है ये केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. अब ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, इसको न्यूटन भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ द फोर्स इज अ न्यूटन. But right now you need not to remember the Newton. You need not to worry about the Newton. Right now we have to consider this thing, that is kg meter per second square. उसके ऊपर से आपको dimension, इसके ऊपर से आपको MLT का formula बनाना है. तो सही माँ आप बता दो इसका answer क्या होना चाहिए. Yes, m raised to power one. Okay. L raised to power one. Okay. And t raised to power minus two. Very good. देखो आपको ये एक फोर्स का डायमेंशन इसको हाँ अब मैं आपको बता दूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फिजिक्स के अंदर व्हेन यू कंप्लीट द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड यू कम अक्रॉस ऑलमोस्ट 100 मोर देन 100 क्वांटिटीज. 11th 12th खत्म होने से पहले 100 से ज्यादा क्वांटिटी आपको पढ़ाए जाएंगी. तो वो कोई भी सारे क्वांटिटीज है तो उसका जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रॉपर पावर ऑफ मास लेंथ एंड टाइम एमएलटी. एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो एमएलटी अपार्ट फ्रॉम द एमएलटी वहां पे ए भी आएगा, एमएलटी एम्पियर का ए भी आ सकता है, केल्विन का के भी आ सकता है. बट The unit of, फिर से मैं बोल रहा हूं, the unit of any physical quantity can be represented by proper power of some fundamental quantity like a mass, length and time. The equation made by that proper power of MLT is defined as a dimensional formula of that physical quantities. And MLT के जो power है उसको dimensions बोलते हैं. तो इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से ये जो हमने MLT के फॉर्म में जो इक्वेशन लास्ट में डिराइव किया ना, वो उसका वो इक्वेशन को वो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं. द इक्वेशन मेड बाय प्रॉपर पावर ऑफ MLT इज डिफाइंड एज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, एंड द पावर ऑफ MLT is considered to be a dimensions of that quantities. जैसे कोई अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि force में time का dimensions क्या है, force में time का dimensions क्या है, तो आपको बताना है कि force में time का dimensions minus two है.
बिकॉज टी रेस टू माइनस टू है. तो ये जो पावर होता है उसको डायमेंशंस बोलते हैं, और ये जो फॉर्मूला होता है उसको डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं. अब ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिकॉज बहुत सारे क्वांटिटी के अंदर ये डायरेक्टली यूज होने वाला है. तो याद रखने का टेक्निक ऐसा है कि 112 आपको ये याद रखना है. 112 मतलब आप कहीं पे भी अगर आपको न्यूटन दिखाई दे, अब नाउ एंड ऑनवर्ड्स अभी कहीं पे भी अगर आपको न्यूटन दिखाई दे तो आपको 112 याद रखना है. एम वन एल वन टी माइनस टू. तो न्यूटन के लिए क्या याद रखना है आपको, एम वन एल वन टी माइनस टू, 112 आपको याद रखना है. तो एक ये न्यूटन का आपको याद रखना है, और अब एक और आपको एक याद रखना है, दैट इज फॉर द वर्क. ओके, किसी ने कुछ कमेंट किया है, लेट मी सी द कमेंट. अच्छा, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? आर यू एबल टू हियर मी? एम आई ऑडिएबल टू यू? क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? Yes. आवाज प्रियांशु, आर यू एबल टू हियर मी अभी? प्रियांशु, नीड टू चेक माई इंटरनेट. Okay, Priyanshu, are you able to hear me now? Priyanshu? Achha, Nakshi, are you able to hear me? Nakshi? Yes, sir. Okay. So, I think it should be the problem from your, matlab Priyanshu ke side problem. Dekho, yahan pe ye thode limitation hai, ye online ke. Kabhi-kabhi kya hota hai ke net ke wajah se aapko awaaz sunai nahi dega. तो उसमें दो चीज हो सकती है, या तो मेरे यहाँ से नेट का प्रॉपर नहीं होता है, या तो आपके वहां से. तो यहाँ पे आप जब भी ये ऑनलाइन सेशन में बैठते हो तो आपका नेट, मतलब ये डेटा आपका खत्म नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात, आपको इस ऐसी जगह पे बैठना है कि जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्टिविटी अच्छा हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा. प्रियांशु, आर यू एबल टू हियर मी? प्रियांशु, प्रियांशु सर, मेरे आपकी आवाज नहीं आ रही. तो मतलब ऐसी जगह पे बैठो कि जहां पे आपका कनेक्टिविटी अच्छा हो, नेट का कनेक्टिविटी अच्छा हो, इस जगह ऐसी जगह पे बैठो आप. ओके, कंटिन्यूइंग द सेशन. तो मतलब ये फोर्स कहीं न्यूटन कहीं पे भी आता है, तो आपको सोचना है, आपको सोचना है 112, आपको ऐसा सोचना है. ओके, अब और कुछ क्वांटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, निकाल रहा हूं. Let's discuss the work done. Chalo, work ka kisi ko formula pata hai, friends? Anybody know the work done? Dekho, main abhi jo quantity discuss kar raha hu, wo kahin na kahin pe aapne 8, 9, 10 standard mein padha hua hai. Agar uska formula aapko pata hai, to achha hai. Agar nahi hai, to aaj ke date mein usko clear kar dijiyega. चलो, एनीबडी विल गिव मी द आंसर, व्हाट इज वर्क, कोई बताएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस. कौन बोला? नक्शी. नक्शी, गुड. सो वर्क यू हैड लर्नड अबाउट दैट, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज डिफाइंड एज अ, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज अ वर्क डन. अब फोर्स का यूनिट क्या है?
तो फोर्स का तो न्यूटन है, अभी हम न्यूटन याद रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। बट ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट जूल, ये न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं, बट अभी जूल काम का नहीं है, अभी न्यूटन इंटू मीटर काम का है। तो न्यूटन इंटू मीटर, चलो अब न्यूटन का तो हमने याद रखा हुआ है। न्यूटन का कैसा याद रखा हुआ है? न्यूटन का कैसे याद रखा हुआ है? एम वन एल वन टी माइनस टू, वन वन टू। एंड मीटर का क्या होगा फ्रेंड्स? मीटर इज इंडिकेटिंग अ लेंथ, तो उसका एल वन होगा। जीरो जीरो वाले टर्म्स ना लिखे तो चलेगा, तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नक्शी? एम वन, ओके, टी माइनस टू, ओके, एल वन। देखो यहाँ पे L1 है, L1 है, दो बार मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? L2, L2। तो फ्रेंड्स आपको ये वर्क का भी याद रखना है। एक न्यूटन के लिए आपको 112 याद रखना है, और अगर कहीं पे जूल आता है, वर्क या जूल आता है, तो उसका आपको याद रखना है 122। अगर ये दो फॉर्मूले आपने याद रख दी है, तो बाकी बहुत सारे क्वांटिटी के फॉर्मूला आप इजीली याद रख सकते हो। तो यू मस्ट रिमेम्बर दिस टू फॉर्मूला। एक आपको फोर्स का याद रखना है, फोर्स का न्यूटन का होता है 112 एम वन एल वन टी माइनस टू। एंड दूसरा आपको याद रखना है जूल का, जूल का होता है 122 मतलब एम वन एल टू टी माइनस टू। अगर ये दो फॉर्मूला अगर आप रख देते हो, तो बहुत सारे क्वांटिटीज आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, प्रेशर, चलो सहीमा आपको पता है प्रेशर के बारे में? नो। ओके सबा? नो। गना? नो। नक्शी? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा आपको याद है कि आप कहीं से देख के बोल रहे हो? नो सर, याद है। वेरी गुड, फोर्स अपॉन एरिया इज अ प्रेशर, सही बात है आपका। चलो अब फोर्स का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, वो तो हमको पता है। प्रियांशु अभी क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। ओके फाइन, फोर्स का होता है न्यूटन एंड एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल, ही वॉज नॉट द रास्कल, ही वॉज अ पास्कल। पास्कल इट इज डिनोटेड बाई पी ए। देखो फिजिक्स बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी बोगस है। पूछो क्यू, पूछो क्यू, क्यों सर? बिकॉज ऐसा है, फिजिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ठीक ठाक है। उसका रीजन है, देखो आप थोड़े अभी तो थोड़े मैच्योर हो गए हो, थोड़े बड़े भी हो गए हो, तो मैं आपको बात बताऊं। आपको सोचना चाहिए कि इस दुनिया में आपका आने का रीजन क्या है, आप क्यों आए हो यहाँ पे। आप ये दुनिया में आपने जन्म लिया, तो उसका आने का मतलब कुछ मीनिंग होना चाहिए। बाकी सब लोग बॉर्न होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, थोड़े तूफान भी करते हैं, फिर शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, मर जाते हैं, ये नॉर्मल रूटीन है। बट हमको ऐसा कुछ करके मरना चाहिए कि फ्यूचर में पब्लिक हमको याद करे, ये पूरे जो ह्यूमन बीइंग है आपको याद करे।
ऐसा कुछ करके हमको मरना चाहिए, मतलब पॉजिटिव हिसाब से याद करें। देखो मैं बताऊ आपको, मुझे ये बताओ कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स फोर्स का यूनिट क्या है बता दी दो, फोर्स का क्या होता है यूनिट? न्यूटन। न्यूटन, वेरी गुड। अच्छा वर्क क्या क्या हमने डिजाइन किया, वर्क का क्या डिफाइन किया अभी? जूल। जूल, अच्छा मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई बता पाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज? ओम। नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज का ओम नहीं होता है, वो तो रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस का कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब होता है, वेरी गुड। कोई बताएगा पावर का क्या है? वाट। वाट, वेरी गुड। अभी ये प्रेशर का क्या है? पास्कल है। तो ये सारे यूनिट में एक चीज कॉमन है, कोई मुझे बताएगा कौन क्या कॉमन है यहाँ पे? ये सारे यूनिट्स में एक चीज कॉमन है, कोई बताएगा कॉमन क्या है? न्यूटन, जूल, कूलम, पास्कल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, ओहम, क्या कॉमन है सारे में? कॉमन चीज क्या है, कोई बता पाएगा? न्यूटन, जूल, कूलम्ब, पास्कल, एम्पियर। तो इसमें सारे यूनिट में कॉमन चीज ये है कि दे ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। न्यूटन, कूलम्ब, एम्पियर, जूल, वॉट, ओहम, पास्कल एटसेट्रा। देखो न्यूटन मर गया, कब का मर गया? जूल भी मर गया, कूलम्ब भी मर गया, एम्पियर भी मर गया। बट आज के डेट में, आज के डेट में हम कूलम्ब, जूल, न्यूटन, एम्पियर को याद करते हैं। एंड जब तक ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस रहेगा, जब तक ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक हम उसको याद करते रहेंगे। न्यूटन मर गया, एम्पियर मर गया, कूलम्ब भी मर गया, बट उसको हम याद करते हैं। और जब तक ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस रहेगा पब्लिक उसको याद करती रहेगी। तो फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर उसमें आप कुछ काम करते हो, कुछ अच्छा रिसर्च करते हो, कुछ अच्छा इन्वेंशन करते हो, तो आपका नाम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आपका जीने का एम सक्सेस हो जाएगा। अगर प्रियांशु प्रियांशु अगर प्रियांशु कुछ काम करता है फिजिक्स में बड़ा होके, कुछ अच्छा इन्वेंशन करता है, तो लड़के लड़कियां भी ऐसा पढ़ सकते हैं कि यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज प्रियांशु। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा पॉसिबल है फिजिक्स में? फिजिक्स में ये चीज पॉसिबल है, केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि फिजिक्स बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें काम करते हो तो आपका काम हो जाएगा, नाम हो जाएगा। मैं अभी रिसेंटली आपको एक चीज बताऊं, अभी थोड़े साल पहले, 2-3 साल हुए होंगे, एक इंडियन साइंटिस्ट कुछ बोस था और एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हिग्स था। तो हिग्स एंड बोस दोनों ने मिला के एक पार्टिकल इन्वेंशन किया, एक पार्टिकल, दोनों ने, वो साइंटिस्ट लोगों ने, हिग्स एंड बोस ने एक पार्टिकल इन्वेंशन किया। तो वो पार्टिकल का नाम क्या हो गया पता है आपको? हिग्स बोसोन। वो नाम पार्टिकल जो नया, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल, वो ऐसा ही एक पार्टिकल उन लोगों ने इन्वेंशन किया, तो उसका नाम ही ऐसा हो गया हिग्स बोसोन। मतलब हिग्स एंड बोस दोनों अमर हो गए, अमर हो गए। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि फिजिक्स में अगर काम करते हो तो काम होता है, नाम होता है। अब छोड़ो ये सब बातों, वापस से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अभी कहाँ पे अटके थे हम? प्रेशर पे अटके थे। तो प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल। बट अभी पास्कल हमारे लिए काम का नहीं है, अपर हमारे लिए जो काम का है वो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। चलो नक्शे न्यूटन के लिए हमने क्या याद रखा हुआ है? न्यूटन तो हमने रट्टा मारा हुआ है, बोलो न्यूटन के लिए क्या याद रखा हुआ है? m1 l1 t - 2, वेरी गुड। अपॉन मीटर स्क्वायर, पास्कल का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अपॉन मीटर स्क्वायर। तो नक्शे आपको ही खत्म करना है, मीटर स्क्वायर क्या लिखूं मैं? l2। चलो इसको सिंपलीफाई कर दो। सिंपलीफाई कर दो m1। ओके, m1 इज रिमेंस द सेम, m1 रिमेंस द सेम। अब ऊपर ऊपर l1 है, नीचे l2 है, नीचे l2 है, तो वो l2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो अब l में क्या रहेगा?
बताओ लक्षी, एम वन, चलो एल वन अपॉन एल टू, एल टू ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू, वन है एंड माइनस टू होगा तो क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा. नक्शी ये समझ में आया आपको? यस सर. ओके, एंड टी रेस टू माइनस टू रिमेन्स द सेम. तो ये प्रेशर का हो गया. अच्छा पावर, चलो वहां पे सहीमा है. यस. बोलो पावर याद है आपको? टेंथ स्टैंडर्ड में पावर का एक इक्वेशन था. मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वर्क एंड पावर के बीच में कुछ रिलेशन था, वर्क एंड पावर के बीच में. वर्क अपॉन टाइम. वेरी गुड, सही बात है आपका, गुड. सो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. इट इज द रेट ऑफ द डूइंग वर्क, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं. चलो वर्क का यूनिट सही में आपको ही खत्म करना है ये सब. चलो वर्क का यूनिट क्या है? फोर्स इनटू. हाँ वो हमने कर दिया. वो करने के बाद हमको क्या मिला? जूल मिला. तो यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल. ओके अपॉन टाइम. यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल अपॉन टाइम. टाइम का क्या होता है? सही में टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. ओके तो जूल पर सेकेंड. बट ऑन सेकेंड. हाँ हाँ जूल पर सेकेंड. बट ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट वॉट, इसको वॉट भी बोलते हैं. बट राइट नाउ वॉट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. राइट नाउ जूल पर सेकेंड. हाँ जूल पर सेकेंड इज इम्पोर्टेंट. ओके तो सही माँ अब जूल पर सेकेंड का निकालना है. तो जूल का तो हमको हाँ जूल का तो हमको पता ही है. जूल का हमने रट्टा मारा हुआ याद रखा हुआ है. जूल का कैसे याद रखा हुआ है हमने? हाँ दो चीज आपको मैंने याद रखने का बोला था. न्यूटन के लिए 112 याद रखना है, जूल के लिए आपको 122 याद रखना. M1 L2 T minus 2. Very good. तो ये हो जाएगा M1 L2 T minus 2. ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आप आपके मोबाइल में देख सकते हो ना कि नहीं दिख रहा है आपको? मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या वो आपके मोबाइल में क्लियरली दिख रहा है आपको? हाँ सर. ओके ये जूल का खत्म हुआ. अब नीचे सेकंड है तो सेकंड का क्या होता है? सही में आपको ही खत्म करना है. सेकंड का क्या लिखना होता है बोलो? देखो मेरा लेक्चर तो मैं इंटरेक्शन के साथ ही लूंगा. टेक योर टाइम. सही माँ सेकंड के लिए क्या लिखना होता है? अच्छा सही माँ सेकंड किसका यूनिट है? कौन से क्वांटिटी का यूनिट है? टाइम. अच्छा तो सेकंड के लिए क्या लिखना होता है? टाइम. अच्छा गुड. तो इसका हो जाएगा टी रेस टू पावर वन. इसका टी वन होगा. तो चलो इसको खत्म करो. उसको सिंपलीफाई करके क्या लिखना चाहिए? टी वन अगर ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा. हाँ एम रेस टू पावर वन. ओके एल रेस टू पावर टू. ओके एंड टी रेस टू पावर माइनस थ्री. वेरी गुड वेरी गुड. चलो पीरियडिक टाइम. पीरियडिक टाइम
मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ओसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ओसिलेशन और वन रोटेशन, इसको पीरियोडिक टाइम बोलते हैं. मतलब आफ्टर ऑल तो वो टाइम ही है. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ओसिलेशन, आफ्टर ऑल तो वो टाइम ही है. तो पीरियोडिक टाइम जो है वो आफ्टर ऑल तो टाइम ही है, तो उसका यूनिट सेकंड ही होगा. तो व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं. तो व्हाट शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला, सना सना क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे? M0 L0 L0 P1. अच्छा सना, यू नो अबाउट द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है? नो. अच्छा चलो, एनीबडी ऑफ योर साइड, किसी को भी पता है फ्रीक्वेंसी? अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना तो आपको याद आ जाएगा, बट मुझे आपके तरफ से कुछ चाहिए. कोई बताएगा मुझे फ्रीक्वेंसी के बारे में? ये सही माँ चली गई लगती है. अच्छा फ्रीक्वेंसी का होता है वन अपॉन पीरियोडिक टाइम. द रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियोडिक टाइम गिव्स अस द फ्रीक्वेंसी. तो मुझे बताओ कि वन अपॉन टी का मतलब उसका यूनिट क्या होगा? कोई बताएगा व्हाट शुड बी द यूनिट? Am I audible to you? S minus one. Okay. Second inverse. अब इसका dimensional formula हो जाएगा M zero L zero T minus one. Energy. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे जो एनर्जीज है उसको जूल में ही मेजर करना होता है. ऑल द एनर्जीज आर मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ जूल. अब जूल के लिए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. जूल के लिए हमने क्या लिखा हुआ है? जूल का तो हमको पहले से ही पता है. सो जूल के लिए होता है एम वन एल टू टी माइनस टू, वो तो ऑलरेडी हमने याद रखा हुआ है. न्यूटन के लिए 112, जूल के लिए 122. ओके अब मैं कुछ नए क्वांटिटीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं फ्रेंड्स. अब तक जितने भी क्वांटिटीज थे वो आपने कहीं ना कहीं पे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में ये क्वांटिटीज आपने कहीं ना कहीं पे पढ़े हुए थे, बट अब कुछ नए क्वांटिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा और फॉर्मूला के बाद उसका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना होगा. द न्यू क्वांटिटी इज अ इम्पल्स ऑफ अ फोर्स. And the formula for impulse of force is force into the time. So impulse of force is nothing but it is the multiplication of the force and time. You will going to learn these quantities later on, but अभी उसका formula आपको याद रखना है. So force into time. चलो force का क्या होता है friends? Newton. न्यूटन. टाइम का क्या होता है? सेकेंड. तो फ्रेंड्स न्यूटन इनटू सेकेंड, तो न्यूटन का तो हमने याद रखा हुआ है. मैंने इसीलिए आपको बोला था कि न्यूटन एंड जूल को याद रख दो, तो
तो बहुत सारे क्वांटिटी को आप अच्छे से उसका डिफाइन कर सकते हो. तो न्यूटन का तो हमको पता ही है. क्या है न्यूटन का फ्रेंड्स? एम वन एल वन टी माइनस टू वन वन टू एंड इंटू सेकेंड इंटू सेकेंड. सेकेंड का क्या होता है फ्रेंड्स? टी वन होता है. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एम वन एल वन टी माइनस टू एंड टी वन, तो ये हो जाएगा टी माइनस वन बचेगा. तो ये बचेगा एम वन एल वन एंड टी माइनस वन बचेगा. न्यू क्वांटिटी सरफेस टेंशन. सो फ्रेंड्स सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है. तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है एंड लेंथ का मीटर होता है. तो मुझे अब निकालना है न्यूटन अपॉन मीटर का. तो फ्रेंड्स न्यूटन का तो मुझे पता ही है, न्यूटन अपॉन मीटर. चलो सही मार्यू दर. सही मा ओके. प्रियांशो? यस सर. न्यूटन का क्या होता है? एम वन एल वन टी माइनस टू. ओके. मीटर का क्या होता है? एल वन एल वन. तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखना होता है? इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो और बोलो क्या लिखूं. एम वन ओके एल जीरो टी माइनस टू. वेरी गुड. तो यहाँ पे एल एल गेट कैंसल्ड, एल का जीरो हो जाएगा. देखो अब मैं और कुछ नए क्वांटिटी डिस्कस करने वाला हूं. प्लेन एंगल. ये प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल यू विल लर्न लेटर ऑन, बट इसका डिस्कशन मैं अभी करने वाला हूं. प्लेन एंगल इज इक्वल टू, प्लेन एंगल मतलब एक सिंपल सा एंगल ही है. और शायद आई डोंट नो यू हैड लर्नड या नॉट. सो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये शायद आपके टेंथ में आया हुआ है. एंगल इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो फ्रेंड्स आर्क जो होती है ना उसको मीटर में मेजर करना होता है, रेडियस को भी मीटर में ही मेजर करना होता है. तो आर्क का यूनिट भी मीटर है, रेडियस का भी मीटर है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एंगल का जो यूनिट होगा वो मीटर मीटर गेट कैंसल्ड. न्यूमरेटर में मीटर, डिनोमिनेटर में भी मीटर, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाएगा. तो मतलब ये एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है. बट हम प्रैक्टिकली, आपको पता हो तो एंगल डिग्री में मेजर करते हैं, 90 डिग्री 60 डिग्री एटसेट्रा. तो एंगल डिग्री में भी मेजर होता है, रेडियन में भी मेजर होता है. अब ये रेडियन क्या है उसके लिए आपको एक आध लेक्चर का वेट करना पड़ेगा. तो एक चीज तो कन्फर्म्ड है कि प्लेन एंगल में मीटर किलोग्राम एंड सेकंड तो नहीं आता. मीटर किलोग्राम एंड सेकंड तो वहां पे नहीं है. तो फिर अच्छा फ्रेंड्स क्या आप, मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है? आर यू एबल टू हियर मी क्लियरली? यस सर. यस ओके. तो मीटर किलोग्राम एंड सेकंड तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? एम जीरो एल जीरो टी जीरो. गुड. सिमिलरली सॉलिड एंगल में ऐसा होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आज के दिन ही ये जो नए नए क्वांटिटीज है, पुराने वाले भी, उसके फॉर्मूलाज आपको आज के दिन पे ही प्रिपेयर करना है. और उसके ऊपर से आपको उसका फॉर्मूला के ऊपर से आपको उसका
यूनिट मिल जाएगा एंड यूनिट के ऊपर से आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा. तो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, रेडियस का स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर ही होगा. तो फ्रेंड वंस अगेन न्यूमरेटर मीटर स्क्वायर, डिनोमेटर भी मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर गेट कैंसल्ड. तो इसका यूनिट कैंसल हो जाएगा बट उसको स्टी रेडियन में मेजर करते हैं. ये स्टी रेडियन क्या है, स्टी रेडियन क्या है वो मैं आपको एक आध लेक्चर के बाद आपको मैं बताने वाला हूं. बट इसका जो होता है वो स्टी रेडियन होता है, स्टी रेडियन. उसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं. नो डाउट उसको भले ही स्टी रेडियन बोल देते हैं बट मीटर किलोग्राम के सेकंड तो है ही नहीं. तो इसका भी क्या होगा फ्रेंड्स, M0, L0, T0. इसका भी 000 ही होगा. तो फ्रेंड्स ये जो सारे क्वांटिटी थे ये फिजिक्स के मैकेनिक्स ब्रांच के करस्पोंडेंट थे, ये मैकेनिक्स ब्रांच के करस्पोंडेंट क्वांटिटी थे. अब कुछ क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में ले रहा हूं, इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूं. जस्ट लेट मी क्लोज द डोर. आवाज मेरे घर में से आवाज है, जस्ट लेट मी क्लोज द डोर. एक मिनट में मैं आ रहा हूं. Okay, am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है friends? Yes, sir. Okay, fine. तो हम अभी discuss करेंगे electricity के base पे. जैसे ही मैंने ऐसा बोला कि अब हम electricity के base पे कुछ equations, कुछ quantity discuss करेंगे, तो आपके mind में कौन सा quantity strike हुआ? Electric current. Very good. So, जैसे ही मैं ऐसा बोला कि इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके माइंड में स्ट्राइक हुआ इलेक्ट्रिक करंट. ओके गुड. सो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. एम्पियर, वेरी गुड. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A. अब यहां पे मास, लेंथ एंड टाइम तो नहीं है बट एम्पियर है. तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको ऐसे लिखते हैं, M0, L0, T0 and A1, एम्पियर पावर वन. इलेक्ट्रिक चार्ज. चलो किसी को पता है इक्वेशन? कोई बताएगा? I is equals to Q by T. So Q is equals to IT. So Q is equals to IT. अच्छा सबा एंड सना, सबा एंड सना, क्या आप दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में बैठे हो? नो. अच्छा तो ठीक है. अदरवाइज क्या होता है कि अगर बाजू बाजू में दो डिवाइस होते हैं ना तो आवाज आएगी आपको कुछ डिस्टरबेंस जैसा, तो डिवाइसेस दूर होने चाहिए, अदरवाइज यू गेट द सम काइंड ऑफ नॉइस. तो
सही माँ, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? सही माँ, ओके, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्रियांशु? यस सर। ओके ओके ओके। देखो अब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला है वो क्यू इक्वल्स टू आई टी है। अब करंट का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक, आई इज इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, एंड टी का होता है सेकेंड। तो फाइनली एम्पियर इंटू सेकेंड विल गेट यू द कूलम्ब, उसका यूनिट कूलम होता है, बट कूलम्ब काम का नहीं है, अभी एम्पियर सेकेंड काम का है। तो एम्पियर सेकेंड, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बना दो। चलो प्रियांशु आप बनाओ डायमेंशनल फॉर्मूला। एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन। वेरी गुड, ओके। चलो पोटेंशियल डिफरेंस, टेंथ स्टैंडर्ड में ये आपने पढ़ा हुआ है, अगर मैं बता दूंगा तो आपको समझ में, तो आपको याद आ जाएगा, बट अगर आप याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस? टेंथ में पढ़ा हुआ है आपने, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, बताएगा कोई? क्या ये आपने पढ़ा था अ वर्क डन अपॉन चार्ज? यस या सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस यू हैड लर्नड, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अभी आपको ये प्रिपेयर करना है। वर्क डन अपॉन चार्ज, अब वर्क का जो यूनिट होता है वो तो जूल होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका यूनिट होगा पोटेंशियल। ये सईमा का मैसेज आ रहा है, वॉइस इज नॉट कमिंग। तो फ्रेंड्स जूल पर कूलम्ब उसका यूनिट होगा, बट ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट वॉल्ट हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ द ड्राई सेल, जिसने ड्राई सेल को इन्वेंट किया था, ऑन द नेम ऑफ दैट इट इज गिवन एज अ वॉल्ट। बट वॉल्ट अभी काम का नहीं है, अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जूल पर कूलम है। तो जूल का होता है, हमको पता है, हमने याद रखा हुआ है, 122 पर कूलम्ब। कूलम्ब का होता है एम्पियर सेकेंड, तो A1T1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो M1 तो एज इट इज रहेगा, L2 भी एज इट इज रहेगा, T-2 ऊपर है, नीचे भी 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो T का हो जाएगा T-3, एंड A1 अगर ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? यस। अच्छा सही माँ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो अभी? सही माँ। अच्छा सबा? यस। सना? यस। नक्षी? यस सर। ओके फाइन। ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, देखो ये भी आपको पता है, कोई बताएगा मुझे रेजिस्टेंस के बारे में? आप में से कोई बताएगा मुझे रेजिस्टेंस के बारे में? सर दो टाइप के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। वो तो उसका कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन टू टाइप्स होता है, सीरीज एंड पैरेलल। बट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं हिंट दूं तो आपको याद आ जाएगा, ओम्स लॉ। चलो अब बताओ ओम्स लॉ। Have you seen this equation? क्या ये equation आपको पता है? Yes. Okay.
resistance R is equals to V by I, where V is the potential and I is the current. So potential upon current, potential का unit अभी हमने discuss किया volt है, upon ampere, but on the name of the great scientist George Simon Ohm के ऊपर से इसको ओहम बोलते हैं. बट आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी हमने वोल्ट का तो फाइंड किया हुआ है, वोल्ट का तो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, आपको जस्ट नीचे एम्पियर करना है, उसको एम्पियर से डिवाइड करना है दैट शीट. तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इसका बोलो. एम वन एल टू टी माइनस थ्री एंड ए का हो जाएगा ए माइनस टू, उसको एम्पियर से डिवाइड किया. क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. देखो यहाँ सही माँ का वापस से एक मैसेज आया कि वॉइस नहीं आ रहा है, तो मैं उसको ऐसा बोल रहा हूँ कि एक बार लीव होके वापस आओ. ये मैंने किसको भेज दिया, अरे मैंने नक्शी को भेज दिया. नक्शी डोंट कंसीडर दैट मैसेज, ये सही माँ को भेजना है मुझे. ओके सो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ये समझ में आया आपको सबको? इज इट क्लियर टू यू? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस यस. ओके चलो एक नया क्वांटिटी आ रहा है, कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी. ये आपके लिए नया है, आपको डायरेक्टली इसको याद रखना है, आपको लर्न करना पड़ेगा. तो इसका मतलब चार्ज अपॉन पोटेंशियल क्यू बाई वी. अब चार्ज का यूनिट कूलम होता है एंड पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है. तो यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट. बट ऑन द ग्रेट ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे इट इज टेकन एज अ फैराडे. बट फैराडे इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, कूलम पर वोल्ट इज इम्पोर्टेंट. अब कूलम का तो पता है हमको एम्पियर इंटू सेकेंड है, कूलम का तो एम्पियर इंटू सेकेंड है. अब वोल्ट का अभी हमने फाइंड किया, वोल्ट का अभी फाइंड किया दैट इज एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट विल बी एम माइनस वन L माइनस टू. अब T माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो T थ्री हो जाएगा और T वन ऑलरेडी है तो T का फोर पावर हो जाएगा एंड A माइनस वन ऊपर जाएगा तो A प्लस वन हो जाएगा तो A टू हो जाएगा. सो दिस विल बी अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस. ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो ये जो सारे क्वांटिटीज अभी हमने डिस्कस किए दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे थे. अब हम कुछ रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन के बेस पे कुछ डिस्कस करेंगे. देखो सपोज के वॉल क्लॉक है, तो क्लॉक में ये सपोज के आवर हैंड है, अभी 12 पे है और थोड़ी देर के बाद में वो 3 पे आता है. तो कोई मुझे बताएगा कि ये जो आवर हैंड है उसने क्या किया? आवर हैंड जो पहले 12 पे था वो 3 पे आ गया, तो कोई मुझे बताएगा ये आवर हैंड ने क्या किया? रोटेट, उसने रोटेट किया ऐसा कह सकते हैं. और इसको हम बोलेंगे उसने एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट किया, बट वो सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट था. तो उसका जो नाम है उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखो कोई ऑब्जेक्ट एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन पे जाता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बट यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट ऑब्जेक्ट का जो एक एंड है वो तो वहां के वही वही उसका एक एंड तो वहां पे ही है, तो एक अलग टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, उसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आफ्टर ऑल तो वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना वो एक टाइप का एंगल ही है, वो आफ्टर ऑल तो एक टाइप का एंगल ही है, और हमको पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस ही होता है, तो ये भी आर्क अपॉन रेडियस ही होगा, और उसका भी यूनिट आपको पता होगा कि हमने रेडियन लिखा था, और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर याद हो तो आपने 0 0 0 ही लिखा था एंगल के लिए, तो इसका 0 0 0 होता है। चलो मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी सही मा, नाउ आर यू एबल टू हियर मी, सही मा, सही मा, एम आई ऑडिबल टू यू, ओके सना, यस, अच्छा मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी Can you tell me what is velocity? Distance upon time taken. Okay, velocity is equals to displacement upon time. It is a displacement upon time. But normal motion में velocity आता है, rotational motion में angular velocity आता है, तो उसका definition क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, उसका यूनिट रेडियन है, एंड टाइम का जो है वो सेकेंड है, तो यूनिट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज अ रेडियन पर सेकेंड, रेडियन का तो 0 0 0 ही है बट अपॉन सेकेंड तो है ना, तो प्रियांशु व्हाट शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, वेरी गुड। देखो देखो अब आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन तो वो था, आपको शायद पता है कि एक्सेलरेशन वाज अ चेंज इन वेलोसिटी दैट अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये ब्रैकेट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन टाइम, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी को अभी हमने डिफाइन किया ऊपर, रेडियन पर सेकंड अपॉन टाइम, तो रेडियन पर सेकंड पर सेकंड, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वैसे एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो रेडियन का तो कुछ भी नहीं है 0 0 0 है, पर सेकंड स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में है ना, तो इट शुड बी अ एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। सहीमा इज देयर, सहीमा आपको सुनाई दे रहा है अभी, Yes. Okay. चलो अभी दो नए क्वांटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस टू न्यू क्वांटिटी, एक जो है वो है एक जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये दोनों क्वांटिटी आपके लिए नया है एकदम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। चलो नक्शी मुझे बताओ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर के लिए मुझे यूनिट क्या लिखना चाहिए, केजी, ओके केजी इनटू मीटर स्क्वायर, वेरी गुड, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एम वन ओके एल जीरो, आर यू श्योर,
L2. Okay. T0. Very good. Okay. अब एक है टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है एंड डिस्टेंस का मीटर है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क के बारे में हम एक पूरा चैप्टर है, रोटेशनल मोशन करके एक चैप्टर है उसके बारे में, वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन होगा. बट अभी आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूटन इनटू मीटर. बट आपको पता होगा कि न्यूटन इनटू मीटर तो जूल होता है, न्यूटन इनटू मीटर तो जूल भी होता है ना, और जूल का तो हमने याद रखा हुआ है. जूल का क्या याद रखा हुआ है बोलो? जूल का तो हमको पता है ना, m1 l2 t-2. मतलब टॉर्क के लिए टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी, टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी, ये तीनों के लिए, ये तीनों के लिए 122 ही होगा. तो ये जो सारे क्वांटिटी हमने डिस्कस किए लास्ट में, 5 क्वांटिटीज, दे आर करस्पॉन्डिंग टू द रोटेशनल मोशन. अब कुछ, अब 3-4 क्वांटिटी बाकी है फ्रेंड्स, 3 क्वांटिटी ही बाकी है अभी. तो दे आर बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स. अब मैं कुछ क्वांटिटीज थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाला हूं. चलो, जैसे ही मैंने ऐसा बोला कि थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, तो कौन सा क्वांटिटी आपके माइंड में स्ट्राइक हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक हो रहा है? हीट. अच्छा, हीट, वेरी गुड. हीट के सिवा और अपार्ट फ्रॉम द हीट? वेरी गुड. टेम्परेचर. Very good. Temperature I want to hear. Good. किसने आंसर दिया? नक्षत्र. Okay. So, temperature. तो temperature का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है. तो अब हम यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? m0, l0, t0 एंड केल्विन पावर 1. Is that clear to you everybody? Yes. Okay. Yes. अब वापस से दो नए क्वांटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं. That is the last quantities. तो one is a heat capacity. अच्छा, one is a specific heat. And other one is a heat conductivity. अब specific heat जो है, that is equals to heat energy. पर यूनिट मास, पर यूनिट टेम्परेचर. मतलब ये जो हीट, स्पेसिफिक हीट है, उसका फॉर्मूला जो है वो हीट अपॉन मास अपॉन टेम्परेचर है. मतलब हीट का मतलब हीट एनर्जी, हीट का मतलब हीट एनर्जी. चलो, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? बताओ एनर्जी का क्या होता है सना? सना इज देयर? सना है वहां पे? अच्छा, सभा है वहां पे? सभा. यस. बोलो एनर्जी का क्या होता है यूनिट? एनर्जी का होगा जूल, मास का होगा केजी एंड टेम्परेचर का होगा केल्विन. तो जूल पर केजी पर केल्विन. तो जूल तो फ्रेंड हमको पता ही है, जूल का तो क्या होता है, हमने वो याद रखा हुआ है 122. केजी का होगा m1, केल्विन का होगा k1. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 अपॉन m1, तो m का हो जाएगा 0, l2 रिमेन्स द सेम, t-2 रिमेन्स द सेम एंड k1 नीचे से ऊपर जाएगा तो k-1 हो जाएगा.
last one, last quantity friends, that is the thermal conductivity or heat conductivity. फ्रेंड्स उसका जो फॉर्मूला है वो हीट इनटू विड्थ, हीट इनटू थिकनेस एक्चुअली, अपॉन एरिया अपॉन टेम्परेचर अपॉन टाइम. चलो सभा है वहां पे, सभा सभा इज देयर? यस. सभा मुझे बताओ हीट एनर्जी का क्या होता है? जूल. जूल. अच्छा थिकनेस का क्या होता है? मीटर. मीटर. अच्छा थिकनेस का मीटर है, बट एरिया का क्या होगा? एरिया का मीटर. एरिया का होगा मीटर स्क्वायर. मीटर. हाँ तो अब न्यूमरेटर में मीटर है, डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है, तो क्या मैं डिनोमिनेटर में एक मीटर लिखूं तो चलेगा? न्यूमरेटर में मीटर है. अच्छा लिख देता हूँ, चलो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा. ओके बाकी बचा टेम्परेचर केल्विन, बाकी बचा टाइम सेकेंड, तो फाइनली इसका हो जाएगा जूल पर मीटर केल्विन सेकंड. चलो नक्शी जूल का बताओ. M1 L2 T माइनस टू. हाँ M1 L2 T माइनस टू. मीटर का होगा L1. केल्विन का होगा, केल्विन का होगा K1 एंड सेकंड का होगा T1. चलो सिंपलीफाई करके बता दो नक्शी. M1. ओके. L1. ओके वेरी गुड. T1. देखो ये T1 तो T माइनस वन होगा, माइनस से पड़ा हुआ है. यस सर. माइनस टू तो हाँ, तो T माइनस थ्री होगा एंड K माइनस वन. ओके सो ये इतने क्वांटिटीज आपको याद रखना है. एक और क्वांटिटी लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी. चलो किसी को पता है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में? डेंसिटी अलग है, रिलेटिव डेंसिटी अलग है. रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो फ्रेंड्स ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो न्यूमरेटर का यूनिट एंड डिनोमिनेटर का यूनिट दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिट लेस. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी यूनिट लेस है. तो मैं फ्रेंड्स ऐसा बताने की ट्राई कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में देखना है आपको कि डेंसिटी का पूछा हुआ है या रिलेटिव डेंसिटी का पूछा हुआ है. अगर डेंसिटी का पूछा है तो केजी पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम, उसका कुछ होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है. बट रिलेटिव डेंसिटी अगर पूछते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जीरो 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 होता है. तो फ्रेंड्स क्या आपके मोबाइल में मैंने चैप्टर नंबर टू का नोट्स डाला हुआ है? चैप्टर नंबर टू का नोट्स मैंने आपको सेंड किया है, आपको मिला हुआ है? यस. Yes. सही माँ? Yes. आपके पास है वो नोट्स? Yes. Okay. तो आपको क्या करना है, मैं आज का होमवर्क क्या है आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये जो नोट्स है ये रहा, तो ये पेज नंबर
ये रहा पेज नंबर 42। ये पेज नंबर 42 जो है ना, इसमें ये पूरा टेबल दिया हुआ, देखो आर यू एबल टू सी द टेबल? यस। तो ये 42 का जो पेज है उसका ये पूरा टेबल आपको लर्न बाय हार्ट, बिकॉज ये जो चैप्टर है अभी उसके तीन चार, अभी नेक्स्ट मेरे तीन चार लेक्चर जो आएंगे वो इस ओके तो वो इसके बेस पे डिपेंड होंगे। तो आपको ये पूरा टेबल लर्न बाय हार्ट करना है। अब मैं लेक्चर आई एम प्लानिंग टू टेक द लेक्चर ऑन द मंडे। क्या मंडे को मैं ये सेम टाइम 6:30 मतलब ये 5 to 6:30 रख सकता हूँ टाइम? यस सर। विल इट बी कन्वीनियंट? यस सर। यस सर। यस सर। मंडे क्या मैं 5 to 6:30 अरेंज कर सकता हूँ ये टाइमिंग? यस। यस। तो फ्रेंड्स आपको मंडे कंपलसरीली क्या करके लाना है, आपको कंपलसरीली ये पूरा टेबल एक बार लर्न बाय हार्ट करके लाना है, बिकॉज अब जो हमारे